मैं इस दुनिया की बदकिस्मत लड़कियों में से थी जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और जो अपनी मामी के भरोसे थी। मेरे मामा मुझे ज़्यादा नहीं मानते थे, लेकिन कभी कभार वो मुझसे भी पूछ लेते कि मुझे क्या चाहिए। वो अपनी लड़कियों को बहुत प्यार करते थे। मेरे मामा की ज़िंदगी ज़्यादा दिनों की नहीं थी, इसीलिए कुछ सालों में ही वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मामा को तो इस दुनिया से जाने की देरी थी कि मामी ने अपना असली रूप मुझे दिखा दिया। वो तो मुझे पहले भी नहीं मानती थी, पर जब मामा थे तो वो मामा की थोड़ी बहुत लिहाज कर लेती थी। पर जैसे ही मामा की मौत हो गई, तब से वो तो मुझ पर इतने जुर्म करने लगी जिसका कोई हिसाब ही ना था। घर के सारे नौकरों को वो निकाल दी और सारा कामकाज की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल की थी। मैं बेसहारा और लाचार थी, इसीलिए जैसे मामी बोली मैंने उनकी बात मानकर वैसा ही किया। इसी दौरान मामी का छोटा भाई, जिसकी उम्र लगभग 21 साल का था, वो मुझ पर फिदा हो चुका था। लेकिन मेरी मामी को ये बात कहाँ बर्दाश्त होने वाला था कि मैं उनके भाई की दुल्हन बनूं। मेरी मामी अपने भाई की शादी के लिए तो ना जाने पहले से कितने सपने देख रखी थी। वो उसके लिए एक नौकरी करने वाली लड़की लाने की सोच रही थी, किसी अमीर खानदान की, और मैं तो बहुत गरीब खानदान की लड़की थी। इसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे और मेरा तो कोई दहेज देने वाला भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक लौती खूबी थी और वो थी मेरी खूबसूरती। मैं बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। इतनी हसीन थी कि मैं जब कभी भी अपने आप को शीशे में देखती थी तो मुझे बहुत हैरत होता कि क्या सच में ये मैं ही हूँ। ये मेरे बाल, मेरा शक्ल, मेरा चेहरा, मेरी होंठ और मेरी आँखें हैं। मैं अपने चेहरे को यूं ही निहार रही थी। मेरी मामी का भाई शायद इसीलिए मेरे हुस्न का दीवाना हो चुका था। उसने मामी से ये तक बोल दिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे, नहीं तो किसी भी लड़की से नहीं करेगा। मामी का भाई तो इतना बोलकर निकल गया और यहाँ सारा इंजाम मुझ पर आ गया कि मैंने उनके भाई को फंसाया है। मैं तो हर पल हर वक्त डरी डरी सी रहती थी और भगवान से यही दुआ करती थी कि भगवान जल्दी मेरी कहीं शादी हो जाए ताकि मैं इस जुर्म से छुटकारा पा सकूं। मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरी शादी मामी के भाई से हो, क्योंकि इनके भाई से शादी करके मतलब मैं इस जुल्म में फिर से फंसना नहीं चाहती थी। मैं तो इस घर से दूर हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना चाह रही थी और फिर कभी इस घर में आना नहीं चाहती थी। उन दिनों मेरे लिए एक रिश्ता मेरे घर आ गया और मेरी मामी ने तुरंत हाँ कर दिया। उन लोगों ने दहेज में एक रुपया तक नहीं मांगा था। फिर क्या था, चटमंगनी और पट ब्याह हो गया। मेरी शादी तक का कपड़ा भी लड़के वालों ने ही दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल नसीब हुआ है। लेकिन शादी होने के बाद मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गई जब मुझे मेरे पति के बारे में एक ऐसी सच्चाई मेरे सामने आई जिसे सुनते ही मेरा होश उड़ गया। शादी की पहली रात मैं दुल्हन बनी तैयार हुई कमरे में बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। इतने में मेरा पति कमरे के अंदर आ गया। मैं नीचे देख रही थी कि तभी मेरा पति मेरे पास आकर बैठ गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ होने का एहसास हुआ। इन्होंने मुझे पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैं हैरान हो गई और इनसे बोली कि आप खुद ही मेरी घूंघट उठाकर देख लीजिए कि मैं कैसी दिखती हूँ। तभी वो हंसने लगे। मुझे उनका यूँ हंसना पसंद नहीं आया। आखिर वो क्यों इस तरह से हंस रहे थे और क्यों मेरी घूंघट हटा नहीं रहे थे। फिर मैं खुद से ही अपना घूंघट हटाई और इन्हें देखी तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि ये तो मुझे देख ही नहीं रहे थे। मैं इनसे बोली, क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हैं या फिर आप इस शादी से खुश नहीं हैं? जो आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। वो दोबारा हंसने लग गए। मुझे उनकी इस हरकत से बहुत अजीब लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसे क्यों हंस रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि वो हमारी शादी से खुश नहीं हैं। शायद वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं और ये शादी इनसे ज़बरदस्ती मुझसे करवा दी गई थी, इसीलिए ये इस तरह से हंस रहे थे। मैं इनसे पूछी, क्या आप किसी और लड़की को पसंद करते हैं? तो वो कोई जवाब नहीं दिए और दोबारा से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब हो चुका था। भला ये क्या तरीका था अपनी पत्नी से बात करने का? अगर ये मुझे पसंद नहीं करते तो एक बार बोल देते। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बिखर गया था, पर मुझे इस बात का यकीन था कि अगर ये मुझे या मेरा चेहरा को एक बार देख लेंगे तो यकीनन ये उस लड़की को भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी हसीन, पर वो तो सामने रखी अलमारी की तरफ देख रहे थे और मेरी तरफ एक बार भी देखना गवारा नहीं समझा इन्होंने। मैं तो अपने ससुराल आने से पहले यही सोच रही थी कि
मैं अपने पति और ससुराल वालों की इतनी सेवा करूंगी कि मुझे दोबारा मामी के घर वापस ना जाना पड़े। तभी मेरा पति बोला कि क्या तुम्हें ये बात कोई बताया नहीं कि मैं कुछ भी देख नहीं सकता हूँ, उन्होंने अचानक से बोला। तो मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहे होंगे। मैं हैरान हो गई और उन्हें देखकर बोली, मुझे मजाक पसंद नहीं है और मैं आपके मुंह से तो कभी भी ऐसी बात नहीं सुन सकती। भगवान आपकी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रखें। वो मेरी बात सुनकर एक बार फिर से हंसने लग गए और बोले कि प्रिया, ये दुनिया खुदगर्ज है। देखो ना, अगर कोई इंसान के अंदर कोई खूबी हो तभी ये दुनिया उसे प्यार करता है, और अगर कोई कमी हो जाए तो वही लोग उस इंसान से नफरत करने लगते हैं। देखो, तुम बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्यार देना चाहती हो, पर मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं अंधा हूँ। मैं सबसे ये बात सुना था कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी इस खूबसूरती को चाह कर भी नहीं देख सकता हूँ। मेरे पति ये सब बोले जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी तलक लग रहा था कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी इस तरह की मजाक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मुझे थोड़ी देर में ही लगने लगा कि ये बात सच है और ये सच में कुछ भी देख नहीं सकते। मेरे ऊपर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो और मैं चुपचाप बैठ गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं यहाँ क्या क्या सपने लेकर आई थी जो चंद पलों में ही टूट गया। मैं तो अपने पति के ही सहारे ससुराल में अपना कदम रखी थी, लेकिन जो इंसान खुद ही चल नहीं सकता वो क्या मेरा सहारा बनेगा। मेरे साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ था जिसे सिर्फ मेरा दिल ही जान रहा था। ये धोखा मेरे साथ मेरी मामी और इन लोगों ने किया था। मैं दोबारा से इन पर चिल्ला पड़ी कि आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आया, एक गरीब लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा किया आप लोगों ने। मैंने ये बात एकदम गुस्से में कहा तो फिर मेरे पति बोले, हमने तो तुम्हारी मामी को ये बात पहले ही बता दिया था कि मैं अंधा हूँ, कुछ भी देख नहीं सकता। अब तुम्हारी मामी ने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ हम लोगों ने नहीं, तुम्हारी मामी ने धोखा किया है। और यहाँ तक तो तुम्हारी मामी ने मुझे कहा था कि मैं अंधा हूँ, ये बात उन्होंने तुमसे बताया है और तुम इस शादी के लिए राजी हो। जब ये बात मेरे पति ने बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। क्या क्या मैं राजी हूँ? अरे मैं कैसे मान जाऊंगी ऐसे इंसान से शादी के लिए जो कुछ भी देख नहीं सकता था। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अब उस घर में भी वापस नहीं जा सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति बिस्तर पर आराम से सो गया। इन्होंने तो मुझसे ज़्यादा कोई बात भी नहीं की और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। मैं रोती रही, परेशान थी और देर रात तक जागी थी। फिर कब रात में मुझे नींद लग गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उठी तो मेरे पति सोए हुए थे। मेरे उठने की आवाज़ सुनकर ये भी जाग गए और इन्होंने मुझसे सहारे की उम्मीद की, पर मैं तो इतनी गुस्से में थी कि मैं इन्हें कोई सहारा देना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि ये पहले भी तो इसी कमरे में रहते थे और मेरे आने से पहले भी तो ये अपना सब काम किया करते थे। वो अंदाज़ा करते करते बाथरूम में चले गए और कुछ देर बाद वो बाहर आए और मुझे आवाज़ लगाई, प्रिया प्रिया क्या तुम इस कमरे में हो? मैं उसी कमरे में थी, लेकिन मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसका कोई हिसाब ही ना था। मैं 19 साल की एक बेहद खूबसूरत और हसीन लड़की थी जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मेरे इस हालात का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। मुझे कितनी तकलीफ हो रहा था सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरा यहाँ एक पल भी मन नहीं लग रहा था, और भला लगता भी क्यों? जिसके भरोसे में इस ससुराल में आई थी वो मेरा पति तो कोई काम का ही नहीं था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमने तुम्हारी मामी को सब सच्चाई पहले ही बताई थी और उन्होंने हमसे कहा था कि तुम इस शादी के लिए राजी हो और इंसानियत के नाते मेरे लड़के से तुम शादी करना चाहती हो। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं इस घर का वारिस को खिलाऊं। अब तुम मुझे इस घर का वारिस दोगी? जब मैं अपनी सास की ऐसी बातें सुनी तो मुझे पता चला कि इसमें मेरे ससुराल वाले का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मेरी मामी को धोखे में नहीं रखा, पर मेरी मामी ने मुझे धोखे में रखा। खैर, मैं बहुत गुस्से में थी तो मैं गुस्से में अपनी सास से कहा, तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? तभी मेरी सास मुझसे बोली, ये क्या बोल रही हो तुम? तो मैं बोली, अब अंधे को अंधा नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ, आप ही बताओ। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी जो सवाल जवाब करे, पर हालात और मजबूरी ने मुझे पत्थर दिल का बनाकर रख दिया था। एक तो मामी पहले से ही मुझ पर इतनी जुल्म कर रही थी और अब शादी के बाद इस धोखे से मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। मैं अपना दिल लगाने की पूरी कोशिश की पर मेरा दिल नहीं लग रहा था।
मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी खूबसूरती को सहारा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मुझे भी मेरा हक मिल सके। अब मैं हर पल हर दिन रोया करती थी। मेरा पति मुझे चुप कराता था, लेकिन मैं इनको अपने पास एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पता नहीं मुझे इतनी चिड़चिड़ापन सा क्यों हो जाता था। उस वक्त मेरे पति ने मुझे बोला कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल ही वापस आ पाऊंगा। उनके साथ ड्राइवर जाता था और उन्हें साथ में लेकर भी आता था। जब वो घर से चले गए तो मुझे सुकून मिला। मैं घर का कोई कामकाज नहीं करती थी क्योंकि मेरा गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। घर का सारा काम नौकरानी किया करती थी। यहाँ पर सारा व्यवस्था था, जो नहीं था वो थी मेरी खुशी। रात में अचानक मैं उठी, मुझे प्यास लगा था। मैं बिस्तर से उठकर रसोई घर में पानी पीने गई और पानी पी ही रही थी कि तभी अचानक मेरे पीछे कोई आ गया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया ताकि मैं चिल्ला ना पाऊं। वो मुझसे कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो, मैं जब से तुम्हारी खूबसूरती को देखा हूँ तभी से तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ। अभी तुम्हारा पति घर पर नहीं है और मुझे पता है कि वो कुछ भी देख नहीं सकता, पर फिर भी मैं उसके गैर मौजूदगी में तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर पाऊँ। मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें बालकनी में देखा करता था। मुझे दुख इस बात की है कि तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई है जो तुम्हारी इस खूबसूरती को देख नहीं सकता। मेरे कानों के पास वो धीरे धीरे ये सब बोले जा रहा था। मैं पीछे मुड़कर देखी तो वो मास्क पहना हुआ था। मैं जब उनकी मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो मुझे बहुत सुकून मिला, बल्कि मुझे तो उस पर गुस्सा करना चाहिए था, पर मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थी और यही सब बातें तो मैं अपने कानों से सुनना चाह रही थी। जो मेरी खूबसूरती को सहारे, मैं उसे इशारे से बोली कि अपना हाथ हटाओ, मुझे बोलने दो। तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटा दिया। मैं बोली, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वो बोला, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और हाँ, मैं हर रोज तुम्हें देखता रहता हूँ। मैं बोली, तुम प्लीज यहाँ से अभी चले जाओ वरना मेरे पति आ जाएगा। वो कहने लगा, मुझे पता है कि तुम्हारा पति कल सुबह ही घर वापस आएगा, पर फिर भी मैं अपने सांस से डर रही थी। उस रात को तो जैसे तैसे मैंने उसे वहां से भगा दिया, पर अब अगर कभी भी उसे मौका मिलता तो वो घर पर आ जाता था। ना जाने वो कहां से आ जाता था। पहले तो वो किचन में आता और अब वो मेरे कमरे में। हम दोनों बहुत बातें करते रहते थे और वो तो सिर्फ मेरी खूबसूरती की बातें करता था। मुझे भी उसकी बातें सुनकर सुकून मिलता था, पर वो हमेशा मास्क लगाया रहता। मैं उसे बहुत बार बोली कि आप अपना ये मास्क हटाकर अपना चेहरा मुझे दिखाओ, पर वो बोला, समय आने पर दिखा दूंगा, इंतजार करो। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि वो एक सुंदर नौजवान लड़का है। और क्या बताऊं, उसकी आंखों से ज्यादा तो उसकी बातों में जादू था। मुझे उसकी प्यार भरी बातों की आदत होती जा रही थी। अब तो वो मुझसे फोन पर भी प्यार भरी बातें करने लगा था। मेरी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी अब वो मुझे मिल रहा था, पर गैर मर्द से। और जो मेरा पति था वो तो मुझे देख भी नहीं सकता था। कुछ महीने तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। वो मेरे पति के गैर मौजूदगी में घर पर आ जाया करता था और फिर हम दोनों बहुत सारी बातें करते थे। पर आज तक उसने मेरे साथ कुछ गलत हरकत नहीं किया था। मेरा दिल और दिमाग दोनों पागल हो गया था। मुझे ये तलक होश नहीं था कि एक गैर मर्द मेरे घर पर मेरे कमरे में आ जाता है और वो मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। किसी अनजान आदमी पर इस कदर भरोसा करना कहाँ सही था। मेरा पति तो सिर्फ अपने दोनों आंखों से ही अंधा था, लेकिन मेरा तो दिल भी अंधा होता जा रहा था। मैं ये सब क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन हम दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरे पति का कॉल आया कि वो घर पर आने वाले हैं। मुझे हैरत हुआ कि वो इतनी जल्दी घर पर कैसे आ रहे हैं। मैं तुरंत उनसे बोली कि तुम कहीं जल्दी से छुप जाओ, मेरे पति आने वाले हैं। तभी मेरे पति की गाड़ी की हॉर्न सुनाई दिया और वो घर के अंदर आ गए थे। तभी ये मुझे बोला, छुपने की क्या जरूरत पड़ेगा, तुम्हारा पति तो मुझे देख भी नहीं सकता है। उसकी बातें सुनकर भी मैं मुस्कुरा दी। मैं भी सोची कि हाँ सही बात है, जब वो कुछ देख ही नहीं सकते तो छुपने की क्या जरूरत है। वो मुझसे बोला कि चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, मैं अभी चलता हूँ। इतना बोलकर वो चला गया। कुछ ही देर बाद में मेरे पति कमरे में आए। मैं उनसे कुछ भी नहीं बोली और मैं चुपचाप सोने के लिए बिस्तर पर चली गई। सो ही रही थी कि मैंने देखा मेरे पति बैठे हैं, वो सो नहीं रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया तुम्हें पता है मेरे पिताजी भी अंधे थे और मेरी मम्मी बहुत ही खूबसूरत थी। अपने घर वालों के दबाव में
मेरी मम्मी ने पिताजी से शादी तो कर लिया था, मगर उन्हें मेरे पिता यानी एक अंधे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पापा और मेरी मम्मी ने अपना दिल मुझ में लगा लिया था। फिर धीरे धीरे मेरी माँ का दिल मुझसे भर गया और उन्होंने अपना दिल किसी और के साथ लगा लिया। पापा के बाहर जाने के बाद रोजाना एक गैर मर्द मेरे घर पर आता था और मेरी माँ उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं सारी बातें सुनकर भी खामोश रहता था। जब मेरे पति ने ये सब बात मुझसे कहा तो मेरी जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा था कि ये जैसे मेरी ही कहानी हो जो मुझे ये सुना रहे थे। इसका मतलब मेरी सास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा पति आगे बोल रहा था कि जब मेरा बचपन खत्म हुआ और जब मैं जवान हुआ तो वो इंसान पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। फिर सिर्फ इस घर में मैं और मेरी मम्मी रहती थी। मेरी माँ ने दूसरा बच्चा करने की कभी नहीं सोचा। अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरे पापा को पूरी जिंदगी में इस बात की खबर नहीं हुआ कि उनके ना रहने पर मेरी माँ किसी और से बातें करती थी। धीरे धीरे माँ इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें मेरे पिता के घर पर होने या ना होने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पिता के होते हुए भी वो गैर मर्द हमारे घर पर आता, मेरी माँ उसको दूसरे रूम में लेकर जाया करती थी। मुझे उनकी बातों की आवाज़ आती पर मैं कुछ भी नहीं बोलता था। इस बीच मुझे इस बात का पता चल गया था कि वो मेरी माँ का पुराना आशिक था जो उनसे बहुत प्यार करता था। मुझे अपने पिता को लेकर बहुत दुख हुआ करता था, इसीलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं बोलता था। तुम्हें पता है प्रिया, मैं बचपन से अंधा नहीं हूँ। मैं जब छोटा था तब मैं सब कुछ देख सकता था, फिर धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी गायब होती गई क्योंकि ये अंधापन मेरे पिता की तरफ से मुझे वसीयत में मिला था। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तब मैं पूरी तरह अंधा हो गया था, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मैं कुछ भी देख नहीं सकता हूँ कि मेरी माँ क्या करती है और क्या नहीं। फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए खुद ही बर्बाद कर रहा था, इसीलिए मैंने अपनी आँखों का इलाज करवाना शुरू कर दिया। और प्रिया, शादी की पहली रात जब मैं तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर हैरान हो गया था। मेरा पति इतना बोलकर चुप हो गया, पर मेरे दिल में शोर मचने लगा था। मैं सोच रही थी कि वो तो अंधे थे तो फिर उन्होंने मेरी खूबसूरती आखिर कैसे देखा। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही उन्हें देखकर बोली कि आपने मुझे कैसे देखा, आप तो अंधे थे ना। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल चल रहा था कि ये वो क्या बोल रहे थे, वो सब कुछ देख सकते हैं। मुझे बहुत हैरत हुआ, क्या ये सब वो सच बोल रहे थे या फिर कोई मजाक जो मेरे साथ चल रहा था। तभी वो बोले, जब मैं बड़ा होने लगा था अपनी आंखों का इलाज करवाना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, इसीलिए थोड़ी सी इलाज करने से और एक छोटा सा ऑपरेशन से ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और मैं फिर से सब कुछ देख सकता था। इस दौरान मेरी माँ ने शादी का रिश्ता देखा, मैं चुपचाप उनका ये फैसला मान गया। तुम्हारा फोटो मेरी माँ ने मुझे दिखाया था, लेकिन वो अभी तक मुझे अंधा ही समझती थी और मैं भी कभी उनसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मेरा दिल भी उनसे पहले ही टूट चुका था। जब मेरी शादी तुमसे हुई तो मैं सब कुछ देख सकता था। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती को देख लिया था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम कैसी पत्नी साबित होगी, मेरे साथ बेवफाई करती हो या फिर मेरे अंधापन का सहारा बनोगी। लेकिन मुझे तुम्हारा ये व्यवहार देखकर बहुत तकलीफ हुआ। मैं तुमसे अलग होने का फैसला ले लिया था, तुम्हारे सामने अंधे होने का ड्रामा करता था और ये ड्रामा मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 15 दिन ही किया और तुम 15 दिनों में ही अपना नया आशिक बना ली मुझे छोड़कर। मेरे पति की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। प्रिया, वो मार्क्स वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उनकी बातें सुनकर तो मेरा होश ही उड़ गया। ये सब मेरे साथ क्या चल रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। मैं हिम्मत करके उनसे बोली, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया। तभी मेरा पति उठकर लाइट ऑन किया और अलमारी से वही मार्क्स निकाल कर पहन लिया। मैं देखी कि ये वही गैर इंसान था जो मुझे हर रोज मिलने आया करता था। मैं अपने पति से इस कदर गुस्सा हो गई थी कि मैं कभी ध्यान ही नहीं दे पाई कि उनकी आंखें जिन्हें मैं हर रोज गैर इंसान समझकर देख रही थी वो मेरे पति की आंखें थी। प्रिया, अगर मैं शादी के बाद किसी और एक्सीडेंट के दौरान अंधा हो जाता तो क्या तुम किसी और से मोहब्बत कर लेती, बताओ। मैं अपने पति के सवाल सुनकर खुद ही शर्मिंदा हो गई थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई भी लफ्ज नहीं था। मुझे उस मार्क्स वाले इंसान से बेहद मोहब्बत हो गया था और वो तो मेरा अपना पति ही था। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं ये सोच रही थी कि तभी वो बोले, प्रिया मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बल्कि मैं तो ये सब खुद ही गलत किया। जो बचपन में मैं अपनी माँ को ये सब करते देखा था
और मैं उनकी सजा तुम जैसी मासूम लड़की को दे रहा था, तुम्हें अजमा कर देख रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं कितना गलत किया। मैं तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारे व्यवहार को पहचान गया हूँ। तुम सिर्फ एक अनजान इंसान से बातें की और अपनी इज्जत का हमेशा ख्याल रखी। अब मुझे अंदाजा लग गया है कि तुम्हें सिर्फ प्यार भरी बातों की कमी थी, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं था। तुम एक नेक दिल की लड़की हो। प्रिया, मैं तुम्हें क्या माफ करूंगा? हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ गलत किया और तुम्हें आजमाया। मेरे पति की बात सुनकर मैं रोने लगी और उनसे माफी मांगी। मैं तो उन्हें माफ कर दी थी, उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। हम तो इंसान हैं और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पति अंधे नहीं बल्कि अंधी तो मैं थी। खैर, उस रात मेरे पति और मैंने मोहब्बत भरी बहुत सारी बातें की। सच कहते हैं लोग कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।